हेलो गाइस, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग से फेसबुक अपलोड के बारे में बात करने हैं। दोस्तों, फेसबुक आप लोगों को पता होगा कि एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ से आप चाहें मतलब लाखों कमा सकते हैं महीने में। तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब की तरह फेसबुक भी अपना एड चलाकर और बहुत सारे पैसे कमाने का मौका देता है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो बहुत सारे पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, आप भी फेसबुक अकाउंट रखते हैं, आप वीडियो डालते हैं, रील बनाते हैं, डालते हैं, तो आप भी ऐसा क्यों नहीं करते कि आपको भी कुछ कमाने का मौका मिले। तो आइए, हम आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे अपने वीडियो को आप अपलोड करें। अगर सही तरीके से आप वीडियो को अपलोड करेंगे तो वही वीडियो जो आप ऐसे नॉर्मल डालते हैं वो वायरल होगा और आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, जिससे आपको भी एडवर्टाइजमेंट मिलेगा और बहुत सारे ब्रांड कंटेंट मिलेंगे जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। यानी यूट्यूब से भी आप अगर मन से अपने काम किया तो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। यहाँ तक कि लोग हजारों लाखों रुपये कमाते हैं यूट्यूब फेसबुक के थ्रू। वही हम आप लोग आज बता रहे हैं कि वीडियो को कैसे अपलोड करते हैं, अगर सही तरीके से वीडियो को कैसे अपलोड करते हैं। तो चलिए, हम आ जाते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। सो गाइस, जा कर अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद चलिए यहाँ से हम फेसबुक को ऑन कर लेते हैं। फेसबुक को ऑन करने के बाद आपका फेसबुक कुछ ऐसे ओपन है, ऐसे ओपन होगा। उसके बाद आपको यहाँ अपने फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपने पेज को खोलना है। पेज को ऑन करने के बाद देखिए, यहाँ तीन ऑप्शन देगा आपको। एक देगा व्हाट्स ऑन योर माइंड, यानी यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं रील अपलोड करने का और लाइव का। तो चलिए, मैं अभी एक रील अपलोड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ रील को अपलोड करना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट न्यू रील पर क्लिक करिए। यहाँ से आपको रील डायरेक्ट बनाना है तो डायरेक्ट बना सकते हैं, या मेरा ऑलरेडी बना बनाया है। तो चलिए, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखिए अब क्या करना है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ से आपको सॉन्ग सेलेक्ट करना है और एड सॉन्ग पे आपको जाना है। अगर पहले से आपने उसमें सॉन्ग लगा रखा है तो आपको उसी के साथ कंटिन्यू करना है। अब मेरे में नहीं है तो मैं यहाँ से एड सॉन्ग लेता हूँ। एड सॉन्ग लेने के बाद आपको यहाँ से कोई भी गाना सेलेक्ट कर लेना है। चलिए, मैं यही गाना सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये गाना सेलेक्ट हो गया। यहाँ देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन देगा। टेक्स्ट के ऑप्शन में आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आपको कुछ टाइप करना है तो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं अपने चैनल का ही नाम लिख देता हूँ। चलिए, मैं अपने फेसबुक का नाम लिख दिया। उसके बाद देखिए, ये जो आपका बैकग्राउंड दिख रहा है, बैकग्राउंड को हटाना है तो यहाँ ये प्लस पर क्लिक करके यहाँ से ब्लैंक भी कर सकते हैं और पूरा भी हटा सकते हैं। यहाँ से आप कलर से मेरे साथ से कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद इसको डन करिए। डन करने के बाद इसको जहाँ भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये आपको नहीं चाहिए तो इसको रिमूव कर दीजिए। इफेक्ट है, यहाँ देखिए बहुत सारा इफेक्ट है, जो आप जो भी इफेक्ट आपको लगे वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ दे रहा है आपको स्टिकर। स्टिकर में आप अगर बहुत सारे स्टिकर लगा सकते हैं, टाइमिंग लगा सकते हैं, गिफ्ट लगा सकते हैं, जिससे आपका पोस्ट आकर्षक देखे और लोग उसको क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। देखिए, यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ दिखेगा एड ऑन पोल। इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे अपने व्यूअर से आप राय ले सकते हैं वीडियो के बारे में, या कोई भी अपने चैनल के बारे में कुछ भी क्वेश्चन करके वहाँ से आप यस नो ऑप्शन डालकर और वहाँ से आप राय ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आइए, यहाँ से आपको स्टोरी, यानी सेम वीडियो को जो आपने रील बना रहे हैं उसको आपको स्टोरी पर भी डालना है। तो इसको ऑन करके रखिए। ऑन करिएगा तो ये सेम टू सेम, देखिए मैं ऑन कर देता हूँ तो ये स्टोरी में ही जाएगा, यानी आपको पोस्ट में भी आएगा और स्टोरी में भी आएगा। उसके बाद आपको टैग लाइन, टैग में आपको क्या करना है, देखिए कुछ जो भी दोस्त को आप टैग करना है उसको, कुछ दोस्तों को आप टैग कर दीजिए। टैग करने के बाद यहाँ लोकेशन, लोकेशन आप ऑन कर सकते हैं ऑफ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद अगर आपका वीडियो कोई भी एआई से जनरेटेड किया गया है तो उसको एआई लेवल को ऑन करना है, और नहीं तो अगर आपने अपना खुद का कंटेंट बनाया है, अपना ओरिजिनल बनाया है, तो उसमें एआई आपको ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, मेरा ऑलरेडी एआई से जनरेटेड फोटो है इसलिए मैं उसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद आपके पास अगर कोई प्लेलिस्ट हो तो यहाँ आकर इसको प्लेलिस्ट में आप उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये सब हो गया सेटिंग। उसके बाद हम यहाँ से इसमें डिस्क्राइब करेंगे, मतलब वीडियो के बारे में कुछ लिखना है। तो जैसे हमारा वीडियो क्या है, शायरी से, तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ हिंदी शायरी, हिंदी शायरी। यहाँ और कुछ भी लिख देते हैं, चलिए लव शायरी लिख देते हैं, लव शायरी। उसके ये सब लिखने के बाद, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसमें हैशटैग लगाना। हैशटैग से आपका वीडियो रैंक में आएगा, यानी जो हैशटैग लगाएंगे अगर उससे रिलेटेड कोई भी कीवर्ड सर्च करता है
तो आपका वीडियो उसमें सबसे पहले दिखेगा। तो चलिए यहाँ हैशटैग हम कुछ लगा लेते हैं, जिससे पहले लगाते हैं, देखिए यहाँ से हैशटैग बहुत सारा आने लगेगा। तो पहले क्या है, सैड शायरी मार देते हैं, उसके बाद से एफबी पोस्ट, एफबी पोस्ट 2024, इंस्टा रील, शानदार अंदाज, शायरी अंदाज, उसके बाद से यहाँ से एआई वीडियो, फेसबुक, फेसबुक रील, ऐसा करके कुछ टैग डाल देंगे। टैग से उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मली ये टैग डालने के बाद यहाँ से आपको वीडियो को शेयर कर देना है। तो शेयर करने के बाद देखिए यहाँ से क्या हुआ, सबसे पहले आप उन लोगों को टैग किए हैं, वहां वीडियो पहुंचेगा, और आपने जितने भी टैग लगाए हैं, टैगलाइन लगाए हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई भी सर्च करता है तो उस सर्च में आपका वीडियो आने का चांस रहेगा, क्योंकि जैसे व्यू बढ़ेगा आपका वीडियो आएगा।